नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो BHIC 132 का यूनिट नंबर 7 है। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। इससे पहले हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, है ना, खास करके साउथ इंडिया की इकनॉमी के बारे में, मिडेवल एरा के बारे में, किस तरीके से 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में और पोस्ट संगम एज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, हमने सारा कुछ देखा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, है ना, वहाँ से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर के बारे में, जैसा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हमने पढ़ना है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें जो चेंजेस दिखे वो था इंडियन इकोनॉमी में कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट सिटीज थी जैसे कि तक्षशिला, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, ये मतलब एक तरीके से सीज हो गई ना, एग्जिस्ट ही करना बंद हो गई, बहुत इनका नाम मिट गया। ट्रेड को भी बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा था क्योंकि जो क्वाइंस थे उनका मिंटिंग और सर्कुलेशन बिल्कुल लिमिटेड हो गया था। अगर हम इस पीरियड के इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो था कि तो वो होंगे कि लार्ज स्केल लैंड ग्रांट होते थे इस टाइम में, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड अर्बन लाइफ, पॉजिटिव ऑफ मनी, एग्रेरियन एक्सपेंशन, ग्रोइंग एग्रेरियन करेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो ये सब कुछ एक चीफ करेक्टरिस्टिक थे इस इकोनॉमी के, है ना, पोस्ट गुप्त पीरियड में, क्योंकि इस ज़माने में बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट देने लग गए थे राजा, है ना, किनको, प्रेस वगैरह को। फिर ट्रेड और कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ, अगर ट्रेड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ तो अर्बन लाइफ का भी डिक्लाइन हो गया, पैसे की मिंटिंग वगैरह बंद हो चुकी थी तो एक तरीके से पैसा का यूज बंद हो गया था, एग्रीकल्चर का बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था इस पीरियड में, तो इस चलते वो सोसाइटी में हमें एग्रीकल्चरल सोसाइटी दिखाई देती है। और इस जमाने में ही हमें ये जात पात का बहुत ज़्यादा दिखाई देता है डिफ्रेंसीशन। सोशली हम बहुत कॉम्प्लेक्स बनती जाती है सोसाइटी और डिफ्रेंसीशन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आइए एक एक करके हम इसको डिटेल में जाने। सबसे पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि गुप्ताज और स्पेशली पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो लैंड ग्रांट्स थे वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ चुके थे, और सिर्फ ये नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में ही, वो नॉर्थ इंडिया, डेक्कन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह मतलब लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और नौबत ये आ चुकी थी कि फ्रॉम 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स तो ये हो चुका था कि जो माइंस एंड मिनरल्स थे डोनेटेड एरिया में वो भी उन्हीं को दे दिया गया, ब्राह्मण्स को या टेम्पल्स को। और यहाँ तक कि जो रॉयल सोल्जर्स थे, रॉयल ऑफिशल्स थे, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था उस इलाके में, और जो वहाँ के लोग थे उन्हीं को राइट भी दे दिया गया कि वो अपने इलाके में पनिशमेंट भी दे सकते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए। तो आप सोचिए क्या रह गया फिर। और हमें उस ज़माने का जो कॉन्टेम्प्रेरी धर्मशास्त्र है, लिटरेचर, वहाँ से हमें पता चलता है कि उसमें मैंशन किया गया, रिकमेंड किया गया कि जो लैंड ग्रांट है वो ही दिया जाए स्टेट ऑफिशियल्स को सैलरी के जगह पे, पैसा नहीं दिया जाए बल्कि लैंड ग्रांट्स दिया जाए। फिर एक और चीज हम देखते हैं यहाँ इस जमाने में होता क्या है कि जो पीजेंट्स, आर्टिसंस और मर्चेंट्स थे इनको एक जगह, हर जगह पे सेटल करा दिया गया है ना। कुछ पीजेंट्स को मान लो सपोज एक्स जगह पे, और आर्टिसंस को भी एक्स जगह पे, मर्चेंट्स को भी इसी एक्स जगह में काम करना था, और उनकी मूवमेंट्स पूरा रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया, ठीक है, कि आप कहीं और भी नहीं जा सकते, यहीं रहोगे। तो इस तरीके से आप देखते हो कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना नेचुरल हो गया था। फिर इकोनॉमी में हम सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ ट्रेड की बात करें अगर, तो इसी जमाने में हम देखते हैं कि अरब्स और पर्शियंस भी ना एज अ कॉम्पिटिटर उभरते हैं इंडियंस के, और इंडिया का ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पहले वो लोग नहीं करते थे, फिर वो भी आ गए। और इंडिया का जो बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ में जो मेजर ट्रेड था वो था सिल्क और स्पाइसेस का, लेकिन बाइजेंटाइन एम्पायर ने धीरे धीरे बाय द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी सीख लिया कि सिल्क को कैसे बनाते हैं ना, सिल्क कैसे बनता है सिल्क वॉर्म से, तो वो सीख गए थे। और जो छोटा थोड़ा मोड़ा ट्रेड बचा हुआ भी था हमारा सेंट्रल इंडिया के साथ या वेस्ट एशिया के साथ, वो कम्प्लीटली वाइप ऑफ हो जाता है किसके चलते, हुन इन्वेजन के चलते। जो हुन्स ने इन्वेजन कर दिया था ना,
उसके चक्कर में वो भी खत्म हो जाता है। और आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो था हुंस के आक्रमण के बाद पुष्यभूति वगैरह ने किस तरीके से और हर्षवर्धन वगैरह का किस तरीके से राज उभरता है, वो भी हमने पढ़ चुके हैं सारा कुछ हम पहले के चैप्टर्स में। तो हालांकि जो कोस्टल एरिया था है ना इंडिया का, वहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू रहा विद साउथ ईस्ट एशिया चाइना के साथ। और इस ज़माने में हमारा सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही अफेक्ट नहीं हुआ, साथ में जो इंटरनल ट्रेड था ना वो भी बहुत सफ़र हुआ। क्योंकि आप देखो जो कट ऑफ होने लग गए थे लोग ना, ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल नहीं करने देते थे, बैंड हो गया था। अब ट्रैवल कौन करेगा, जो मर्चेंट है जो बिजनेस करता है वही तो ट्रैवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ज़्यादातर नॉर्मली यही होता है। सर्विस वाले तो करते नहीं है, या उस ज़माने में देखो तो एग्रीकल्चर में जब वो तो कहीं जाएगा नहीं, ज़्यादातर पिलग्रिमेज के लिए जाएगा। बट बिजनेस के हिसाब से तो ट्रेडर्स ही जाते थे, वही ज़्यादा ट्रैवल करते थे, वो उनके पे ट्रैवल पे बैन लगा दिया गया था। तो इस चलते इंटरनल ट्रेड भी ना बहुत सेटबैक को उसको मिला। और लेकिन इसमें ये था कि जो लग्जरी गुड्स थे जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, इवोरी या हॉर्सेज, ये चलता रहा लॉन्ग डिस्टेंस का इंटरनल ट्रेड भी। फिर दूसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं पॉजिटिविटी ऑफ कॉइन्स। अब हम इस ज़माने में देखते हैं कि जो कुशांस और गुप्ताज के ज़माने में गोल्ड कॉइन्स होते थे वो धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं, सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। कॉपर और सिल्वर कॉइन का भी पूरा एब्सेंस देखते हैं हम इस ज़माने में। और जो लेटर गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स आए भी थे उसमें गोल्ड कंटेंट इतना कुशान कॉइन्स के ऑलमोस्ट आधा था। और हर्षवर्धन के टाइम में तो सिक्के बस एकदम मतलब नाम मात्र के रह गए। और डेक्कन में राष्ट्रकूटाज और वेस्ट बंगाल के एरिया की तरफ पाल्स का जो राज था 8th सेंचुरी में, उन्होंने तो कोई कॉइन ही नहीं इशू किया। हालांकि ये बड़ा ताजुब की बात है कि ये जो पीरियड हम देख रहे हैं उसमें एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो रहा था, तो अब तो पैसों की ज़रूरत और भी ज़्यादा आ गई थी मेटल की, मनी की, है ना, क्योंकि हर कोई एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहा था तो किस तरीके से करेंगे। लेकिन हम उल्टा ही देखते हैं कि इस समय मेटलिक कॉइन का डिक्लाइन होता है। ये सिचुएशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं थी, डेक्कन में भी था और साउथ इंडिया में भी थी। अब क्वाइंस अचानक क्यों किंग्स वगैरह ने कम कर दिए समझ में नहीं आया ये चीज़ का हिस्टोरियंस को भी, क्योंकि क्वाइंस सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, वो एक तरीके से सॉवरेंटी रिप्रेजेंट करते थे कि हाँ ये हमारा इलाका है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस पीरियड में बहुत कम क्वाइंस हैं, लगभग ना के बराबर। और डिक्लाइन ऑफ ट्रेड लैंड ग्रांट्स टू हाई ऑफिशियल इन लियू ऑफ मनी भी, ये भी एक कारण था कि सिक्कों का ख़त्म ही कर दिया गया। जब ट्रेड ख़त्म होता जा रहा है और ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स, हाई ऑफिशियल्स को आप सैलरी देते नहीं हो उसके बदले लैंड ग्रांट देते हो, तो धीरे धीरे पैसों की ज़रूरत भी कम महसूस होने लगी, तो वो मिंटिंग बंद कर दिया गया। तो इसके बदले में करते कैसे थे, जैसा कि मैं आप कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इतना एक्सपेंड कर रहा था तो किस तरीके से वो चीज़ों को करते थे। तो इसका आंसर है कि वो एक तो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, और दूसरा क्या करते थे, वो कौड़ी का यूज़ करते थे। आपने कौड़ी देखी है कि नहीं पता नहीं मेरे को, वो छोटी छोटी होती है सीपीओ की तरह, है ना, उनको कौड़ियाँ बोला जाता है। आप सर्च कर लेना गूगल में, आपको दिख जाएगा। फिर डिक्लाइन ऑफ टाउन्स, अगला हम पढ़े ये टॉपिक है इकोनॉमी में ना, तो हम देखते हैं कि जो प्री कुशान और कुशान टाउन्स थे नॉर्थ इंडिया में और सातवाहनास के भी जो टाउन्स थे दक्कन में, तो उनका डीके होना शुरू हो जाता है 3rd-4th सेंचुरी के आसपास। और सेम सिचुएशन साउथ इंडिया में भी है। अब कुछ एक जो सिटीज़ हैं मेजर सिटीज़ जिनका डिक्लाइन होता है वो थी संघौल, हस्तिनापुर, रंजीखेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चिरान, तामलुक, उज्जैन, नागर, तेर, नासिक, पैठन, अरिकामेडु तमिलनाडु में। अब पहला फेज तो 3rd-4th सेंचुरी में होता है ना, अर्बन डीके का, टाउन्स वगैरह का। अब सेकंड जो फेज आता है वो होता है आफ्टर 6th सेंचुरी। और ये जो डिक्लाइन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज है ये उस जमाने के कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस में भी मेंशन्ड है। अप टू 6th सेंचुरी के जो था उनकी इंस्क्रिप्शन सील्स में हम क्या देखते हैं कि आर्टिजन, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स वगैरह की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है ना,
लाइफ ऑफ टाउन में, लेकिन उसके बाद फिर अचानक बंद हो जाता है। यहाँ तक कि ह्वेन सांग ने भी मेंशन किया है कि हाँ, बुद्धिस्ट टाउन्स का जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। और उस जमाने का एक बहुत ही माना हुआ लिटरेचर था कामसूत्र वात्स्यायन का, तो आप देखो उसमें तो काफ़ी अर्बन लाइफ के बारे में दिखाया गया है, लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड का जो लिटरेचर है, एक बड़ा फेमस कुट निमतम है दामोदर गुप्ता द्वारा 7th सेंचुरी का, तो वो मेनली कंसर्न है सिर्फ लाइफ इन कंट्री साइड का, मतलब गांव के लाइफ को वो डिपेक्ट करता है खाली। तो हम देखते हैं पोस्ट गुप्त पीरियड में वही होता है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्कंदवराज डेवलप हो जाते हैं कैपिटल्स के बदले में। स्कंदवराज वो जगह थी जहाँ पे हिली एरियाज में होती थी वो, है ना, नॉर्मल प्लेन से ऊपर में होती थी, और जहाँ पे मिलिट्री का मूवमेंट आसानी से हो सके, नदी हो, पहाड़ हो, है ना, डिफेंसिव एरिया टाइप में। और ये जो थे वो सेंटर ऑफ कंजम्पशन थे, प्रोडक्शन के सेंटर नहीं थे, जैसे पुराने ज़माने में राजधानियों में होता था बिजनेस सेंटर ये वो, लेकिन यहाँ पे बिजनेस तो हो ही नहीं रहा था, ट्रेड खुद ही सफ़र कर रहा था। ये तो ये जो सेंटर्स थे स्कंदवराज वगैरह, ये सिर्फ कंजम्पशन के सेंटर बन के रह जाते हैं, प्रोडक्शन जीरो हो गया था यहाँ पे। अब हम एग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो उस जमाने में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि किंग्स ने क्या किया, एग्रीकल्चर को एक तरीके से बढ़ावा देना शुरू किया, और उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया। इवन जब इरिगेशन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो ऑब्वियस है नॉलेज एग्रीकल्चर साइंसेस के बारे में काफ़ी बढ़ गई हमारी, तो यही कारण था कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे और स्ट्रेंथन होती चली जाती है। और हम इस पीरियड में देखते हैं 5th to 7th सेंचुरी का जो पीरियड था, तो हम देखते हैं डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में ऑलमोस्ट 50 रूलर राज कर रहे थे। डेक्कन सेंट्रल इंडिया अगर हम बोलें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के एरिया में 50 रूलर्स राज कर रहे थे छोटे छोटे। हमें बहुत सारे कॉपर प्लेट भी मिलते हैं इस ज़माने के, जिस पर हमें पता चलता है कि किस तरीके की लैंड्स होती थी, लैंड रिकॉर्ड्स में पता चलता है हमें ना, बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स के हमें कॉपर प्लेट मिले हैं, जिससे कि हमें वेरियस टाइप ऑफ लैंड का पता चलता है, जैसे कल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड लैंड, हाई लो, वाटर लॉग, मार्शी, ग्रासी, फॉरेस्ट लैंड, तो पूरा लैंड का ब्यूरो रखते थे डिटेल में ना, ताकि उनको पता रहे कि हाँ कौन से है और उनसे टैक्स लिया जा सके, तो डिटेल्ड एक रिकॉर्ड बनाया जाता था। तो ये अब एग्रीकल्चर रिलेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर रिलेशन है ऑब्लिगेशन ऑफ द पीजेंट्स। तो इस ज़माने में क्या था, जो डोनी था बस फ्री टू कलेक्ट ऑल द, जिसको डोनेशन मिल जाता था, है ना, लैंड डोनेशन, जैसे किसी ब्राह्मण को मिल गया या टेम्पल को मिल गया, तो उसको पूरा अधिकार था कि उस एरिया में वो अपना किसी भी टाइप का टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और पल्लव रिकॉर्ड से तो हमें पता चलता है कि 18 से लेकर 22 टाइप के टैक्सेस थे उस वहाँ पे। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ही है कि राजाओं ने उनको पूरा माइंस वगैरह सब कुछ दे दी थी, यहाँ तक कि ऑफिशियल सोल्जर्स भी नहीं जाते थे वहाँ, और उनको सजा का भी अधिकार दे दिया गया था, तो ऑब्वियस था टैक्स तो वही कलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड फ्यूडल लैंड टेन्योर। अब लैंड टेन्योर किसके पास रहता था, तो हमें स्मृति वर्क्स से पता चलता है, स्मृति वर्क्स उस जमाने की किताब है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, जो एक पीस ऑफ लैंड होती थी उस पर 4 लोगों का अधिकार होता था। सबसे पहले महीपति मतलब किंग, क्षेत्र स्वामिन मास्टर ऑफ द लैंड, तीसरा कृषक कल्टीवेटर, और चौथा सब टेनेंट। अब जो ये लैंड ग्रांट देने की शुरुआत हुई, तो ये क्या बन गई, धीरे धीरे हायरार्कियल बन गई, है ना, जैसे मतलब कि हायरार्की में बढ़ गई, ठीक है, जिस तरीके से किंग है, फिर मास्टर ऑफ लैंड, कल्टीवेटर, टेनेंट, तो ये हायरार्की में बढ़ गई। और इस हायरार्की की वजह से क्या हो गया, लैंडलॉर्ड्स का हायरार्की बनना शुरू हो गया। और पल्लव पीरियड में टेम्पल सर्वेंट्स जो थे उनको भी जो है क्या करते थे, ये लोग सैलरी ना देके वो एक लैंड का टुकड़ा दे देते थे कि ठीक है तुम इसके बदले में ये रहा तुम्हारा। इवन टेम्पल की जो लैंड्स थी उसको लीज किया जाता था टेनेंट्स को फॉर कल्टीवेशन। ऑब्वियस टेम्पल के पास लैंड तो बहुत ज़्यादा होती थी, हर साल ही बढ़ती जाती थी, लेकिन उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो जो ब्राह्मण्स थे वो खुद तो जाते नहीं थे कल्टीवेशन करने के लिए,
तो वो टेनेंट्स को लीज पे दे देते थे कि हाँ ठीक है तुम इतना करो और इतने में तुम्हारा मान लो 1/3 1/4 उनको दे देते थे और मैक्सिमम पार्ट अपने पास वो रखते थे। ग्रोथ ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी तो ऑब्वियसली हो ही रही थी। हमने देखा कि जब मूवमेंट्स वगैरह ही बंद करा दी गई तो ऑब्वियस है कि क्लोज्ड इकोनॉमी होनी थी। अब हम अभी तक पढ़ा जितना हमने पढ़ा है उससे हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी उस जमाने में मिडेवल इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा था। रूरल सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे थे है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप करता जा रहा था उस ज़माने में, तो जितनी भी लोकल नीड्स थी वो लोकली ही मेट हो जाती थी। कोई बड़ी नीड होती नहीं थी, लोग बड़ी सिंपल लाइफ जी रहे थे। लैविशिंग लाइफ जो पुराने ज़माने में गुप्ता पीरियड में थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी, अब वो बस सर्वाइवल वाली लाइफ थी वो जी रहे थे। या फिर जो ब्राह्मण्स वगैरह थे, किंग्स वगैरह थे, वो लैविशिंग लाइफ अभी भी जी रहे थे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें ओवर थी चीज़ें है ना। आप उसको करप्शन भी नहीं कह सकते बट ओवर था उनके पास मिला हुआ, और जो आम आदमी था उसके पास बहुत ही कम था। तो इस ज़माने में हमें उस ज़माने के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस ज़माने में सोल्जर्स का मूवमेंट होता था सिर्फ वार के लिए, या पिलग्रिमेंस को अलाउड था यहाँ से वहाँ जाना, या फिर ब्राह्मण्स को अलाउड था फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड या एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड ग्रांट्स के लिए वो यहाँ से वहाँ जाते थे। बस इन्हीं लोगों को अलाउड था मूवमेंट, बाकी सबको बैन था। अब इससे क्या होने लग गया, जब एक ही जगह पर रहते हैं तो वो स्ट्रांग लोकल आइडेंटिटी उभरने लग गई है ना। एक ही जगह पर रहते हैं उनकी अपनी लोकल आइडेंटिटी हो गई, लोकल लैंग्वेज और ज़्यादा ग्रोथ हुई, बाहर नहीं गए तो एक आइसोलेशन टाइप में होने लग गया उनका। आज भी आप साउथ इंडिया जाकर देखो तो कई लोग तो कभी गाँव से निकले ही नहीं है, और वो डरते भी हैं क्योंकि उनको हिंदी वगैरह आती नहीं है, तो कई लोग फिर वो नॉर्थ में आने में भी डरते हैं। मैं तो कई बार गया हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से अभी भी है वहाँ साउथ में, इवन नॉर्थ में भी है। ऐसा नहीं है कि साउथ की बात है, नॉर्थ में भी यही है, ईस्ट में भी वैसे ही है। लोग लोकल लोग हैं, वो लोकल ही भाषा में रहे हमेशा, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा बाहर का, तो वो डरते भी हैं और उनको रिसोर्स भी नहीं है उनके पास आने का बाहर। तो ये ग्रोथ जो लोकल स्ट्रांग लोकल आइडेंटिटी थी उससे ग्रोथ हुआ लोकलिज्म का, और ये कुछ एक एक्सप्रेशंस में साफ पता चलता है हमें, जैसे ग्राम धर्म, ग्राम कर, स्थान कर, तो इन चीज़ों से हमें साफ पता चलता है कि उस ज़माने में लोकलिज्म भी कितना ज़्यादा बढ़ गया था। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे सोशल स्ट्रक्चर और आपका डिक्लाइन ऑफ फैशियस एंड पोजिशन ऑफ वुमेन। सोशल स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है तो एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें हमारे वीडियो ताकि उनको भी पता चले। और थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।